हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैंने गैलेक्सी S9 प्लस परचेज कराया है, जो कि 5,000 रुपये के अंदर मैंने लिया है और जो कि एक रेक्ट कंडीशन में, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। और मैंने यार ये जो लाइक बेसिकली किससे लिया ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने कोई ऑनलाइन वॉनलाइन OLX से नहीं लिया ये, मैं किसी को जानता था एंड लाइक वो मेरा दोस्त का तो ऐसे कुछ सीन था। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई एक फ़ोन है तू एक बार चेक कर ले यार, उसके अंदर कुछ दिक्कत हो गई। तो मैं गया, मैंने चेक करा और वो बंदा कह रहा है यार भाई मुझे नया फ़ोन लेना है तो यार ले लो। मैंने 5,000 रुपये में फिर उसको खरीद लिया। मैंने देखा कि लाइक मेरे कंडीशन जो थी भाई पता चल गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक्चुअली हुआ क्या कि इस फ़ोन के अंदर उसने ड्रॉप किया था इसको, मतलब उससे गिर गया था और उसकी डिस्प्ले लाइक उड़ गई थी। तो मैंने सोचा यार भाई क्यों ना फ़ोन ले लिया जाए और भाई ट्राई करने में क्या ज़्यादा। 5,000 रुपये में यार गैलेक्सी S9 प्लस मिल रहा है। अगर इसको एक्चुअली देखो पिछले साल कितना महंगा था, 50-60 हज़ार का फ़ोन था और आज मेरे को 5,000 में मिल रहा है। डिस्प्ले भी अगर मैं बदलवाऊंगा 7-8 हज़ार की हो जाएगी यहाँ से दिल्ली में। तो मैंने सोचा यार बढ़िया डील है, एक बार चेक कर लेते हैं। और उस बंदे ने बोला भाई मेरे को आईफोन लेना तो मैं ये सेल आउट कर रहा हूँ तो आप ले लो। मैंने बोला ठीक है, ओके भाई चेक करते हैं क्या दिक्कत है। डिस्प्ले आ नहीं रही थी इसकी, तो मैंने क्या किया मैंने भाई इस फ़ोन को मैं घर लेकर आया। एंड जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखाऊं यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा शैटर्ड था एंड जैसे देख सकते हो। और सामने की तरफ में भी जो डिस्प्ले थी वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे आप देख सकते हो डिस्प्ले सामने वाली जो बिल्कुल इस टाइम पर ठीक है, लाइक कोई सा भी क्रैक नहीं है। लेकिन पीछे की साइड में अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी सारे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने इस फ़ोन को खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट करी। अब 5,000 रुपये जो मैंने इस पर खर्च करे थे तो मैंने सोचा थोड़ा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही है भाई, अब क्या करें कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। तो फिर मैंने यार इसको खोला तो लाइक ये फ़ोन जो था लाइक इजीली खुल गया, मतलब बेसिकली इजीली तो मैं नहीं बोलूँगा खुल गया। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसका बैक पैनल बिल्कुल ख़राब था लेकिन जो इनसाइड थी वो बिल्कुल बढ़िया थी फ़ोन की। थोड़ा सा यहाँ पे स्कफिंग थी तो ये मैंने देखा कि फ़ोन कहीं ना कहीं उस बंदे ने खुलवाया होगा, जो भी था सीन मुझे लगा चलो यार कोई नहीं अब देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने इस फ़ोन को धीरे धीरे करके पूरा खोलना स्टार्ट किया और ये सब मैंने यार ऑफ कैमरा किया क्योंकि मेरे को चेक करना था हो क्या रहा है। तो भाई डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था ना, बस लाइट जलती हुई दिख रही थी ऊपर, जो एक नोटिफिकेशन की इसमें LED होती है वो जल रही थी। तो मुझे लगा यार अब देखते हैं क्या हुआ है अब भाई, क्योंकि फ़ोन वाइब्रेशन भी कर रहा था और लाइक वो बंदा बोल रहा था कि मेरी फ़ोन कॉल्स भी आ रही है तो वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज था। तो फिर मैंने भाई इसको फ़ोन को लाइक बैटरी निकाली, पूरा डिसअसेंबल करा और भाई मैंने देखा कि चलो एक बार चेक करते हैं लाइक डिस्प्ले विस्प्ले देखेंगे कि कुछ कनेक्टर में इशू तो नहीं आ गया। क्योंकि गिरने से कभी बार क्या होता है कनेक्टर कुछ लूज़ हो गया हो, कुछ हो गया हो, पता नहीं यार कभी कुछ हो सकता है। तो मैंने बस ऐसे मजे के लिए भाई खोल लिया फ़ोन और खोलने के बाद भाई जब अंदर देखा तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैशटैग हमारा इतना ही दिमाग खत्म हो गया हमारा। फिर भाई मैंने जब फ़ोन पैक करा सब कुछ लाइक मैंने सोचा चलो यार अब छोड़ो इसको, हमारा 5,000 रुपये बर्बाद हो चुके हैं। और मैंने फिर फ़ोन को वापस से जब पैक करा ये फ़ोन की डिस्प्ले कनेक्ट करी, मैंने पावर बटन, मैंने सोचा चलो पावर बटन भी क्लिक करके देख लेते हैं क्या पता कुछ हो जाए। और भाई इस फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो गई। गाइस मैंने कुछ नहीं करा, लिटरली इस फ़ोन की डिस्प्ले नहीं चल रही थी। और जब मैंने इसको मैं आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये मेरे को डील मिल गई सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये के अंदर। और यार क्या तो मुझे तो यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी कि यार इसने में यार हमारे को ये फ़ोन मिल गया है। जैसे आप देख सकते हो होए इसके अंदर मैं अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को डिस्प्ले में एक थोड़ा सा इशू है जो कि मैंने अभी नोटिस किया था। तो मैं अगर आप लोगों को एक जूम करके यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप लोग देख सको तो वो हल्का सा ये जो इधर है इधर एक डॉट सी आती है, तो अगर आप लोग हल्का सा नोटिस कर सको तो आप लोगों को मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो शायद ही आप लोग ये देखो गाइज ये दिख रहा है, ये देखो ये कुछ डॉट दिख रही है आपको ब्लैक कलर की। तो गाइज ये ब्लैक कलर की डॉट इसके अंदर आ रही है। और बेसिकली अभी क्या सीन है कि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो डॉट है इससे मेरे को कोई वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है नीचे की साइड में है। और फ़ोन के स्पीकर सब काम कर रहे हैं, फ़ोन वाइब्रेट भी बढ़िया कर रहा है। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे मेरे साथ सीन हुआ और भाई ये फ़ोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। और वैसे मैंने इसके लिए बैक कवर मंगवा लिया है, तो 500 रुपये का ऑनलाइन का ही मिल रहा था तो मैंने 500 रुपये का बनवा लिया ब्लू कलर के अंदर। और ये जो है एक पर्पल वाला था, क्या सीन रहता है। तो गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगी वीडियो को बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।